ফের বিহারে ভেঙে পড়ল সেতু নবনির্মিত সেতু ভেঙে পড়ল বিহারে আরারিয়া জেলায় ভেঙে পড়ল এই সেতুটি বকরা নদীতে তলিয়ে গেল সেতুর একাংশ 2017 সালে শেষ হয় ব্রিজ তৈরির কাজ 12 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ হয় সেতুটির উদ্বোধনের আগেই ভেঙে পড়ল সেতু 2023 সালে বিহারের ভাগলপুরে ভেঙে পড়ে সেতু আমরা যে ছবি দেখতে পাচ্ছি নবনির্মিত সেতু ভেঙে পড়ল বিহারে আরারিয়া জেলায় আর অন্যদিকে 2023 সালে বিহারের ভাগলপুরে ভেঙে পড়ে সেতু গত বছর বিহারের ভাগলপুরে সেতু ভেঙে পড়ে আর এবার দেখতে পাচ্ছি উদ্বোধনের আগেই ভেঙে পড়ল সেতু 2017 সালে শেষ হয় ব্রিজ তৈরির কাজ 12 কোটি টাকা ব্যয় নির্মাণ হয় সেতু কিন্তু উদ্বোধন হতে পারল না তার আগেই বিহারের আরারিয়া জেলায় ভেঙে পড়ল এই সেতুটি ব্যবহার হয়নি এই সেতুটি এখনো পর্যন্ত উদ্বোধনই হয়নি তার আগেই সেতু ভেঙে পড়ল তলিয়ে গেল সেতুর একাংশ আমেরিকা কি পুরি আবাদী কে আসপাস ভারত কে লোকতন্ত্র কি ইহি খুবসুরতি यही ताकत पूरी दुनिया को आकर्षित भी करती है प्रभावित भी करती है मैं बनारस के हर मतदाता का भी लोकतंत्र के एक उत्सव को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं ये बनारस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है काशी के लोगों ने तो सिर्फ एमपी नहीं बल्कि तीसरी बार पीएम भी चुना है इसलिए आप लोगों को तो डबल बधाई साथियों इस चुनाव में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो वाकई अभूतपूर्व है इस जनादेश ने एक नया इतिहास रचा है दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापसी करे लेकिन इस बार भारत की जनता ने ये भी करके दिखाया है ऐसा भारत में 60 साल पहले हुआ था तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी आपने ये सौभाग्य हमें दिया अपने सेवक मोदी को दिया भारत जैसे देश में जहां युवा आकांक्षा इतनी बड़ी है जहां जनता के अथाह सपने हैं वहां लोग अगर किसी सरकार को 10 साल के काम के बाद फिर सेवा का अवसर देते हैं तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है बहुत बड़ा विजय है और बहुत बड़ा विश्वास है
आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। आपका ये विश्वास मुझे लगातार आपकी सेवा के लिए देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। मैं दिन रात ऐसे ही मेहनत करूंगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। साथियों, मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज का ये कार्यक्रम भी विकसित भारत के इसी रास्ते को सशक्त करने वाला है। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं, करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये सारे हमारे किसान माताएं, भाई बहनें आज